हेलो स्टूडेंट्स, मैं गिरीश कुमार आज आप सभी का एमवीएन फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो है टैबलेट पंचिंग मशीन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो टैबलेट है वो एक बहुत पॉपुलर डोजेज फॉर्म है। अगर हम कभी बीमार भी होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो डॉक्टर है हमें सबसे पहले डोजेज फॉर्म प्रेस्क्राइब करता है वो हमारी जनरली टैबलेट ही होती है। तो आइए आज के लेक्चर में हम जानते हैं कि जो टैबलेट हमारी बनती है उस मशीन के बारे में, उस मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो मशीन कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम टैबलेट पंचिंग मशीन के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। जो हमारी टैबलेट पंचिंग मशीन होती है उसके मेन 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हॉपर, सेकंड पार्ट होता है डाई, थर्ड पार्ट होता है पंच, फोर्थ पार्ट होता है कैम ट्रैक एंड फिफ्थ पार्ट होता है टरेट। जो ऊपर के 3 पार्ट्स हैं हॉपर, डाई और पंचेज, उनको आप टैबलेट पंचिंग मशीन के डायग्राम में भी देख सकते हैं। लेकिन जो कैम ट्रैक है और टरेट्स है वो तो कुछ इंटरनल पार्ट्स होते हैं जिनको हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट होता है हॉपर। हॉपर का काम क्या होता है कि जो भी ग्रैन्यूल्स या जिस भी पाउडर की हमें टैबलेट बनानी है उस पाउडर को हम हॉपर में डालते हैं और हॉपर से वो पाउडर हमारा डाई के अंदर जाता है। तो हॉपर का काम हुआ अपने पाउडर को या ग्रैन्यूल्स को डाई तक पहुंचाना। सेकंड पार्ट होता है डाई। डाई एक कैविटी टाइप की होती है, एक जिसके अंदर हमारी टैबलेट बनती है। जो ग्रैन्यूल्स हॉपर से आए वो डाई में आए तो हमारी जो टैबलेट बनती है वो डाई के अंदर बनती है। मीन्स डाई का जो साइज़ होगा, जो शेप होगी, उसी शेप की हमारी टैबलेट बनती है। तो हम कह सकते हैं कि जो डाई होती है वो हमारी टैबलेट को शेप और साइज़ प्रोवाइड कराती है। तीसरा पार्ट होता है पंच। पंच जो है वो भी आपकी टैबलेट पंचिंग मशीन का मेन पार्ट होता है। एक टैबलेट बनने में, याद रखना स्टूडेंट्स, 2 पंच लगते हैं। एक होता है अपर पंच और एक होता है आपका लोअर पंच। तो याद रखना, एक टैबलेट बनने में एक डाई और 2 पंच काम में आते हैं। तो जो हमारे पंचेज होते हैं ये क्या करते हैं, जो डाई के अंदर पाउडर होता है या जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पंचेज की वजह से ही हमारा पाउडर या मटेरियल जो होता है वो टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट होता है कैम ट्रैक। कैम ट्रैक का काम क्या होता है, ये हमारे पंचेज की मूवमेंट को गाइड करता है। पंचेज को बताता है कि आपको कैसे कैसे और कब मूव करना है। इसकी हेल्प से ही हमारी टैबलेट बन पाती है। नेक्स्ट पार्ट होता है टरेट्स। जो टरेट्स होता है इनका काम होता है पंचेज को अपनी प्लेस पर होल्ड करके रखना। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप ये 5 पार्ट्स के बारे में समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट आता है कि जो टैबलेट पंचिंग मशीन होती है वो कैसे काम करती है, कि हमारा जो पाउडर है, हमारे जो ग्रैन्यूल्स हैं वो टैबलेट की फॉर्म में कैसे बदल जाते हैं। तो आइए आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि हमारी जो टैबलेट है वो बनती कैसे है। तो टैबलेट पंचिंग मशीन पर जो हमारी टैबलेट बनती है उसके मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिलिंग और फीडिंग, सेकेंड वन इज़ कंप्रेशन, थर्ड वन इज़ इजेक्शन। तो आइए अब डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूं कि तीनों स्टेप्स होते कैसे हैं। तो सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट्स कौन सा है, फिलिंग और फीडिंग। तो इसका फिलिंग और फीडिंग का मतलब हुआ कि जिस पाउडर का या जिस ग्रैन्यूल्स की हमें टैबलेट बनानी है उन ग्रैन्यूल्स को हम हॉपर के थ्रू डाई के अंदर फिल करते हैं। तो ये हो गया पहला स्टेप, फिलिंग और फीडिंग, कि आपका जो ग्रैन्यूल्स है या जो पाउडर है जिसको हमें टैबलेट में कन्वर्ट करना है उसको हम हॉपर में डालते हैं और वो मटेरियल हमारा डाई के अंदर जाता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड वन इज कंप्रेशन। ये मेन स्टेप होता है किसी भी टैबलेट के बनने के लिए। कंप्रेशन में क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा, कंप्रेशन मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेशर काम करेगा। तो अब क्या है, हमारा जो मटेरियल है जिसकी हमें टैबलेट बनानी है वो डाई के अंदर आ गया है। तो कंप्रेशन में क्या होता है कि जो हमारा अपर पंच है वो भी डाई की ओर मूव करेगा और जो हमारा लोअर पंच है वो भी डाई की ओर मूव करेगा। और डाई के अंदर क्या है, मटेरियल है, पाउडर है या फिर आप कह लो ग्रैन्यूल्स हैं। तो जब दोनों पंचेज एक दूसरे के साइड मूव करेंगे तो डाई में उनके बीच में क्या आ जाएगा,
पाउडर या मटेरियल जिसकी हमें टैबलेट बनानी है। तो पंचेस क्या करेंगे, उस मटेरियल पर प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगेगा जिसकी वजह, या फिर आप कह सकते हो उसकी वजह से क्या होगा, जो वो मटेरियल था वो एक सॉलिड फॉर्म में या एक कंप्रेस्ड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी कंप्रेस्ड मास को हम बोलते हैं टैबलेट। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड स्टेप में अपर पंच भी डाई की ओर मूव करेगा, लोअर पंच भी डाई की ओर मूव करेगा। जब दोनों पंच एक दूसरे के साइड मूव करेंगे तो बीच में उनके जो पाउडर आएगा वो प्रेशर की वजह से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्रेस्ड मास के अंदर, और उस कंप्रेस्ड मास को ही हम क्या बोलते हैं, टैबलेट। अब तीसरा स्टेप आता है इजेक्शन। अब प्रॉब्लम क्या है, टैबलेट तो डाई के अंदर बन गई, लेकिन अभी वो टैबलेट कहाँ है, डाई के अंदर ही है। अब उसको डाई से बाहर कैसे निकाला जाए, वो आपका आता है तीसरे स्टेप के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इजेक्शन। इजेक्शन मतलब होता है निकालना, रिमूव करना। तो इजेक्शन स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा अपर पंच है वो टैबलेट को कंप्रेस करने के बाद उसको कैमट्रैक कहता है कि आप ऊपर चले जाओ, कैमट्रैक उसको अपर पंच को डाई से बाहर निकाल लेता है, लेकिन जो लोअर पंच का कैमट्रैक होता है वो लोअर पंच को गाइड करता है और कहता है कि आप कॉन्टिन्यूसली डाई के अंदर ऊपर की साइड मूव करो। तो जो लोअर पंच है वो डाई के अंदर ऊपर की साइड और ज्यादा मूव करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर होती है टैबलेट। तो फिर क्या होता है, लोअर पंच के साथ साथ वो टैबलेट भी आपकी डाई से बाहर आ जाती है, और इस टैबलेट के बाहर आने को ही हम क्या बोलते हैं, इजेक्शन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे एमवीएन फार्मेसी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं होपफुली आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करूंगा। और मैं चाहता हूं कि अभी तक भी अगर आपने हमारे एमवीएन फार्मेसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे रिसेंट अपडेट्स, हमारे रिसेंट लेक्चर्स आप तक पहुँच सकें। बहुत बहुत थैंक यू स्टूडेंट्स।